हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो आज क्लास सेवन्थ चैप्टर टू और एक्सरसाइज 2.1। तो हमने पिछले दो वीडियोस में चैप्टर टू के बारे में कुछ डिस्कस किया, नंबर्स के बारे में डिस्कस किया और सब्सट्रैक्शन और एडिशन के बारे में, सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ से हमें यहाँ पर आगे देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर, और जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए जरा, फर्स्ट 1/2 ऑफ 12 मीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि 1/2 ऑफ 12 मीटर कितना होगा। तो आप सभी ने बोर्ड मॉस पढ़ा हुआ है। बोर्ड मॉस में ऑफ का मतलब क्या होता था बच्चों? बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई होता था, है ना। बेसिकली मल्टीप्लाई से पहले ऑफ किया जाता है ना। तो 1/2 ऑफ 12 मीटर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 12 मीटर। तो आपको मालूम है ये क्रॉस कट शॉर्ट यहाँ से हम कर सकते हैं, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12 और ऊपर 6 बन जा हो जाएगा 6, मीन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 6 मीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए जरा इस पर चलिए, 1/10। बच्चों 1/10 मतलब क्या होता है? दसवें टोटल जो आपके पास पार्ट है वो 10 है, यानी कि 10 है, और उसमें से 1 पार्ट आपको लेना है, यानी कि 1/10। 1/10 मतलब 1/10। 1/9 बोलेगा तो 1/9, 1/4 बोलेगा तो 1/4। तो टोटल आपके पास 10 है और उसका एक पार्ट लेना है। 1/10 का मतलब ये होता है इंटू 3/30/51। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल करके देखते हैं जरा इसको। 3 बन जा 3, 2 बचेगा तो 21, 3 7 जा 21 और ये यहाँ पर 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों क्या, 11 बन जा 11 और यहाँ पर 17 बन जा 17। तो 11/17 आपका बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर है आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया है, 1/10 of 39/108। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था, बिल्कुल सेम है। 1/10 मतलब आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 39/108। बिल्कुल सही। अब ये नंबर देखते हैं किससे कट शॉर्ट हो जाएगा, तो 3 और 9 12 किसके टेबल में आता है, 3 के में आता है। 1 और 8 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कट शॉर्ट हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 1 तो 18 हो जाएगा, 3 9 जा 18, ठीक है। और ये 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 13 का टेबल तो आपको आता ही है, तो 13 बन जा 13 और 13 3 जा 39। तो देखिए जरा ऊपर कितना हो रहा है, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में 1 into 1/10 यहाँ पर 10 3 जा 30, तो 1/30 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए जरा, 1/8 of 2। तो बच्चों यहाँ पर 2 नहीं है, ये रुपी 2 है, 1/8 of रुपी 2। तो रुपी 2 है। अब आपको मालूम है कि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, तो 2 रुपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 200 पैसे। तो मैं 2 रुपी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 200 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 1/8 इंटू 200 की जगह क्या, 2 रुपी की जगह क्या लिखूँगा, 200 पैसे लिखूँगा, 200 पैसे। तो यहाँ से हम इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर 4 बचेगा तो 40, 8 5 जा 40 और 25 बन जा 25, तो 25 पैसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 25 पैसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या दिया है, डिवाइड। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना है और फ्रैक्शन के नंबर हमारे पास हैं, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 14/32। बच्चों डिवाइड करना है तो बाई की जगह पर क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और 21/16। अब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि जब भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में आपको डिवाइड देखे, आप उसको किस में चेंज कर लीजिए,
मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके बाद वाला जो नंबर है, यानी कि इस साइन बाद के बाद वाला, पहले वाला नहीं बच्चों, ये साइन है इसके बाद वाला, तो ये जो नंबर होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 14/32 को एज इट इज़ लिख दीजिए, डिवाइड को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये जो बाद वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 21/16 का क्या हो जाएगा बच्चों, 16/21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 का टेबल आता है आपको, 16 बन जाए 16, 16 टू ज़ा 32, मैं से यहाँ पर 7 टू ज़ा 14 और 7 थ्री ज़ा 21 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बच रहा है बच्चों, 1 और ये ऊपर भी 1, तो 1 ज़ा 1 और नीचे सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो 1/3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 5/6 वाई, इसको चेंज करिए कैसे करते हैं, 3/4 ज़ा 12 और 2 14, तो 14/3 है ना, 3/4 ज़ा 12 प्लस 2 14/3। अब वाई की जगह क्या लगाएंगे, डिवाइड करना है तो डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया भाई, और 14/3। अब डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। 14/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/14 और यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, तो देखिए क्या आ गया है हमारा, ऊपर 5 1 5, नीचे 14 2 28, ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये डिवाइड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है, और उसके बाद पूरा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेटिव आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमको फिर से डिवाइड करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है, तो आइए कर लेते हैं इसको, हम बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं, अभी हम करके आए हैं। तो 6 1 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8/6 और यहाँ पर बाय यानी डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड, और इसको भी चेंज कर लीजिए, 3 2 6 प्लस 1, तो 7/3। अब क्या करते हैं, डिवाइड को किस में चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बाद वाला नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7/3 का क्या हो जाता है, 3/7, तो 3 1 3 और यहाँ पर 3 2 6, अब कुछ भी नहीं कट शॉर्ट हो रहा, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8, तो ऊपर 4 1 4 और नीचे 7 1 7, तो 4/7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है सिंप्लीफाई, क्या करना है यहाँ पर, सिंप्लीफाई करना है इस कॉम्प्लिकेटेड नंबर को, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाना है, अगर कुछ कट शॉर्ट होगा तो कट शॉर्ट करेंगे प्यारे बच्चों, या फिर यहाँ पर जो भी कैलकुलेटिव होगा पार्ट उसको कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हमको मालूम है बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, 15/35 इंटू 49/54 और डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, इंटू में, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम, दोनों साइन जो है वो सेम है, तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए करते हैं पहले, 2 1 2, यहाँ पर 2 2 4 बचेगा 1, तो 2 7 2 7 14, ठीक है बच्चों। अब देखिए 7 5 35, 7 7 49, 7 7 49, यहाँ पर 5 1 5, 5 3 15 और 3 1 3, 3 9 27, तो ऊपर देखिए कुछ भी नहीं बचा है, 1 बचा है, 7 बचा है और 1 बचा है, तो 1 × 7 × 1 यहाँ पर बचा है, नीचे यहाँ पर 1 × 9 × 1, तो ये क्या आ जाएगा, 7/9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना है, बस कट शॉर्ट करना है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं हम कई चैप्टर से इसको करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप बार बार इनको करके देखिए, कट शॉर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हमारे सामने आएंगे, तो उनमें आप या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अच्छे से इसको सीख लीजिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकेंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम, 8/25 को एज इट इज़ लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले हम डिवाइड वाला पोर्शन करेंगे, और उससे भी पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 2 2 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/4
टू, ये डिवाइड को एज इट इज लिख दीजिए अभी, 11 टू जार 22 प्लस 1 तो 23 अपॉन 11, और इस मल्टीप्लाई को भी एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पर बचा है 4 अपॉन 9। अब सबसे पहले बच्चों डिवाइड को चेंज कर लीजिए किस में, मल्टीप्लाई में, तो 8 अपॉन 25 इंटू 5 अपॉन 2 डिवाइडेड, सॉरी डिवाइड को किस में बदलना है हमको, मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 23 अपॉन 11 का क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 23 इंटू 4 अपॉन 9। अब देख लीजिए क्या यहाँ पर हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, ठीक है, और क्या हो रहा है, 5 वन ज़ा 5, 5 फाइव ज़ा 25 आए, और यहाँ पर हमें कुछ भी कट शॉर्ट होते नहीं दिख रहा, तो जो जो नंबर आपका बच रहा है उसको लिख दीजिए, यहाँ पर बचा हुआ है 4 इंटू, यहाँ पर तो 1 है, इंटू यहाँ पर 11 है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 4 है, और नीचे क्या क्या बचा है आपका, 5 यहाँ पर 23 और यहाँ पर 9, और कट कुछ कट शॉर्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इंटू कर दीजिए, 4 4 जा 16 और 4 4 वन जा शॉर्ट में कर लेते हैं, 4 वन जा 4 और 11 4 जा 44 अपॉन, यहाँ पर देखिए पहले इनका कर लें, तो 5 9 जा 45 इंटू 23। अब इनका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा बच्चों, तो आप रफ वर्क करके इनका कर लीजिएगा, 4 4 जा 16 कैरी का 1, तो 4 4 जा 16 और 1 17 अपॉन में मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ, तो 23 5 जा होता है 115 कैरी का 11, और 23 4 जा होता है 92 और 11, तो ये हो जाएगा 103, और ये कट शॉर्ट नहीं हो रहा, तो आप इसको रफ वर्क में अच्छे से कर लीजिएगा आराम से, मैंने थोड़े से जल्दी से करा दिया है, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई है, आप कर ही सकते हैं बिल्कुल ईजिली, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमको ये सिंप्लीफाई करना था, और इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपको अभी डाउट है कोई तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।